महाराष्ट्र के राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने एक बेहद अहम फैसला लिया है। अगले 5 सालों में राज्य में 11,000 मेगावाट बिजली की निर्मित की जाएगी और बिजली का उत्पादन अदानी इंडस्ट्रीज करेगी, ऐसी जानकारी ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दी है। ऊर्जा मंत्री ने विश्व आर्थिक मंच से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश निकाला। महज एक महीने में राउत फिर से 60,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने में सफल रहे, इसलिए राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आज ऊर्जा मंत्री डॉक्टर राउत ने राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग और अदानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप के बीच नितिन राउत और प्रमुख सचिव ऊर्जा दिनेश वाघमारे की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह फैसला गैर पारंपरिक ऊर्जा और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नया है, राउत ने समझौते के बाद यह बात कही। हाल ही में ग्रीष्मकालीन बिजली और कोयले की कमी के कारण राज्य में लोड शेडिंग संकट का अनुभव किया, लेकिन प्रभावी प्रबंधन और योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य में वजन नियमन से बचने में सफल रही। इसी पृष्ठभूमि में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर राउत ने राज्य में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर राउत के मार्गदर्शन में ऊर्जा विभाग प्रयास कर रहा है। समझौते के तहत अदानी ग्रीन एनर्जी राज्य में पंपेड स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करेगी। अगले 4 से 5 साल में अदानी समूह इन परियोजनाओं में करीब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे 30,000 नौकरियां उपलब्ध होगी। साथ ही इन PSP से 11 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से राज्यों को कई लाभ प्राप्त होंगे, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की मदद से बिजली का उत्पादन या भंडारण करते हैं। ये परियोजनाएं बिजली की कमी की स्थिति में तत्काल बिजली उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी। MOU पर महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा विभाग के उप सचिव नारायण कराड और अदानी इंडस्ट्रीज ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित बरोदिया ने हस्ताक्षर किए। राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत और प्रमुख सचिव ऊर्जा दिनेश वाघमारे की उपस्थिति में ये समझौता हुआ। ऊर्जा उप सचिव नारायण कराड, अवर सचिव नाना साहेब धने, अजित बरोदिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी और अक्षय माथुर असोसिएट उपाध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित थे। महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेता राज्यात अतिरिक्त वीज निर्मितीची गरज आहे। या पार्श्वभूमीवर आम्ही आज अदानी उद्योग समूहासोबत एक महत्त्वाचा सामंजस्य करार केलेला आहे। राज्याचा ऊर्जा विभाग आणि अदानी ग्रीन एनर्जी समूह यांच्यात आज माझ्या उपस्थितीत हा सामंजस्य करार करण्यात आला। या करारानुसार अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीतर्फे राज्यात पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स उभारले जाणार आहेत। आगामी 4 ते 5 वर्षात अदानी समूह सुमारे 60,000 कोटीची गुंतवणूक यात करणार आहे। यामुळे 30,000 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे। तसेच PSPच्या माध्यमातून 11,000 मेगावॅट अतिरिक्त वीज निर्मिती केली जाणार आहे। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत्राच्या मदतीने वीज निर्मितीचा वा वीज संचय करणाऱ्या या प्रकल्पांचे अनेक लाभ आहेत। यामुळे निश्चितच महाराष्ट्र ग्रीन व क्लीन एनर्जी क्षेत्रात उंच भरारी घेण्यास यशस्वी ठरणार आहे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।